हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप लोग एक स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और अगर आप लोगों का बजट केवल 5000 रुपीस का है, तो आज आपके लिए सैमसंग लेकर के आया है अपना सबसे शानदार और बेहतरीन फोन, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M01। ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M01 मोबाइल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी वीडियो के आगे में मैं इसकी करूंगा अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इस प्राइस में इस फोन को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है पायस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक पायस। सो गाइज, ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर मोबाइल। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कंपनी इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसको कुछ देर बाद रिबूट करेंगे, पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये है इसका चार्जर, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है, ना ही USB केबल है। चार्जर का आउटपुट देखते हैं हम लोग, तो ये 5 वॉट का नॉर्मल चार्जर है। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर। यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये पतली सी सिम इजेक्टर टूल दी हुई है, इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। बाकी और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कंपनी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कंपनी क्या देती है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है सैमसंग का वारंटी कार्ड इस मोबाइल का, और थोड़ा सा पेपर वर्क है जो इसमें यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है, और भी कुछ बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं है। तो ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर मोबाइल। सबसे बड़ी बात, इस बॉक्स पे कोई भी आप लोगों को बैक कवर प्रोवाइड नहीं है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है, और बैक की बात करें तो ये ऐसा है। बैक से प्लास्टिक बॉडी के केस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ये सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सिंगल कैमरा है। स्पेसिफिकेशन की बात अभी हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। तो आप लोग करते हैं इसको रिबूट। जब हम रिबूट करते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर लिखा हुआ है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड 10 का लाइट वर्जन इंस्टॉल्ड है, जिसको एंड्रॉयड गो कहते हैं। जब तक ये रिबूट होता है, मैं थोड़ा सा कैमरे की स्पेसिफिकेशन और रैम और रोम के बारे में बता देता हूँ। तो ये आता है 1GB रैम 16GB रोम के साथ, जिस वेरिएंट का हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, 1GB रोम 16GB रोम के साथ है। बात करते हैं कैमरे की, तो बैक कैमरा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है 8 मेगापिक्सल का, जो कि 2.2 एपर्चर के साथ है। और फ्रंट कैमरा आता है 5 मेगापिक्सल का, जो कि 2.4 एपर्चर के साथ आप लोगों का वर्क करता है। बात करते हैं इससे प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 1.5 GHz की क्लॉक साइकिल पर वर्क करता है। तो फ़ोन हो गया हम लोगों का स्विच ऑन। अब हम लोग करते हैं इसको एक्सेस, करते हैं, देखते हैं यूज़र इंटरफेस कैसा है। तो यूज़र इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों का सभी सैमसंग के फ़ोन में आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे मिड रेंज फ़ोन हो या ही फ्लैगशिप फ़ोन हो सैमसंग के। आप लोगों का बिल्कुल सेम इंटरफेस है। एंड्रॉयड गो होने के कारण ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंटरफेस में कोई चेंजेस आए हैं। बस जो चीज़ आप लोगों को नई देखने को मिलेगी एंड्रॉयड गो में, वो ये रहेगा कि जब भी आप लोग ऐप्स को देखेंगे, तो सारे ऐप्स में आप लोगों को गो लिखा नीचे नज़र आएगा, जो इसमें सिस्टम में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। गो उन ऐप्स में नहीं लिखा रहेगा जो आप लोग अदर सोर्सेस से इंस्टॉल करेंगे, जैसे गूगल प्ले स्टोर से या क्रोम से, जहाँ से भी आप इंस्टॉल करेंगे उन ऐप्स में गो नहीं लिखा रहेगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया है, तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर कोई गो नहीं लिखा है, या आप देखें जीमेल में गो लिखा है, गूगल में गो लिखा है, क्योंकि ये एंड्रॉयड गो का है। आप लोगों को सेटिंग्स में मैं चेक करा देता हूँ एंड्रॉयड वर्जन। मोबाइल काफ़ी स्मूथ है, 1GB रैम होने के कारण भी काफ़ी स्मूथ है। नॉर्मल वर्क यूसेज के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है। जो लोग अभी एंड्रॉयड में शिफ्ट हो रहे हैं, जो बहुत फीचर फ़ोन नहीं चाहते, एक नॉर्मल फ़ोन चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट फ़ोन होने वाला है। अबाउट फ़ोन में हम लोग जाते हैं। अबाउट फ़ोन में ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एंड्रॉयड 10 वर्जन है। एंड्रॉयड 10 है, जो कि गो पे वर्क करता है। एंड्रॉयड लाइट गो इसलिए कहते हैं क्योंकि एंड्रॉयड 10 का ये लाइट वर्जन है, और सैमसंग का यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल्ड है आप लोग के इस फ़ोन में। बात करें कैमरा की, तो कैमरा क्वालिटी में ये बैक कैमरा कुछ ऐसा है। कैमरे की सैंपल्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें केवल दो ही ऑप्शंस आते हैं, एक फोटोज का और एक वीडियो का। कोई AI इफेक्ट नहीं है, कोई पोर्ट्रेट, कोई बोके मोड, इस तरह का कोई मोड देखने को नहीं मिलता है इस प्राइस सेगमेंट में। बात करें यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को फिल्टर्स कैमरे के देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत ही फिल्टर्स हैं, ज़्यादा फिल्टर्स भी नहीं हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट मेगापिक्सल के कैमरे की सैंपल्स भी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के बैटरी के बारे में, तो कंपनी ने इसमें डिसेंट 3000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की हुई है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही शानदार बैटरी है। जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इसके बैटरी में देखने को लगा, ये वो ये है कि इसका जो चार्जर है, ना ही ये USB सपोर्ट करता है, ना ही कोई फास्ट चार्जिंग है। 5 वॉट का नॉर्मल चार्जर है, तो आपको बैटरी चार्ज करने में काफ़ी समय लगने वाला है। मैक्सिमम 3 आवर्स और मिनिमम 2.5 आवर्स तो आप लोगों को बैटरी चार्ज करने में लगने ही वाला है।
फिर भी बैटरी अगर आप लोग यूसेज को देखें तो इसमें ज़्यादा यूज़ आप लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि 1 GB रैम ही है। नॉर्मल यूसेज करें बैटरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग चलने वाली है बैटरी, एक दिन तो कम से कम चलेगी ही इसकी बैटरी। कैमरा, बात करते हैं इस मोबाइल के प्राइस के बारे में, तो ये 1 GB रैम और 16 GB रोम के साथ जो आता है वो आता है 4999 रुपीज़ का। इसके दो वेरिएंट्स और हैं जो कि ये 2 GB रैम 32 GB रोम और 3 GB रैम 32 GB रोम के साथ आता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो जो हमारे पास कलर ऑप्शंस है ये ब्लैक कलर का, इसमें 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड। अब फाइनली बात करते हैं हम लोग कि आखिर आप लोगों को ये फ़ोन कंसीडर करना चाहिए कि नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो देखिए इस प्राइस सेगमेंट में 4999 रुपये में सैमसंग से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सैमसंग इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगा। सैमसंग ने कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की हुई है, यूज़र इंटरफेस में भी सैमसंग ने कोई कमी नहीं रखी है, जैसा अपने वो मिड रेंज फोन और फ्लैगशिप फोन में प्रोवाइड करता है सेम वैसे ही यूज़र इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है, बस एंड्रॉयड गो के साथ है। तो बाकी एप्लीकेशन में आप लोगों को गो देखने को मिल जाने वाला है, और अगर आप एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल करते हैं तो उसमें गो नाम का फॉर्मेट का एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी भी काफी डिसेंट है, बस चार्जर का एक नेगेटिव पॉइंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा देख करके, बाकी बैटरी काफी अच्छी है। तो अगर आप लोग अभी कीपैड से एक नए स्मार्टफोन में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, सारी चीज़ें बेस्ट है, आप लोगों को नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलता है, जिसको एक एंड्रॉयड फ़ोन अभी ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, जिसको चलाना सीखना है उसके लिए सबसे बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। तो आप इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, सैमसंग एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है और उस ब्रांड के हिसाब से फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।